भी उनको सबसे ज्यादा तवज्जो देता है सर। उन्होंने अब एक कहा था कि मैं यहाँ पे आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। जी मेरा सर, चैनल किसी के लिए बायस नहीं है, QI न्यूज नेटवर्क किसी के लिए बायस का काम नहीं करता। हम मुकेश चौहान जी को भी उतना ही समय देते हैं, सतीश चतुर्वेदी जी को भी उतना ही समय देते हैं, या फिर सहारा के लिए जो बात रखना चाहते हैं हम उसको भी उतना ही समय देते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि नहीं एक तर्कपूर्ण डिबेट हो लोगों के बीच में, आप तर्क के द्वारा एक नहीं दूसरे की बात का उत्तर दें। ठीक नहीं है, सर, कन्हई शाह सर जो आते हैं ना, तो वो अभी सतीश सर ने भी जो बताया था ना, तो वो कोई अधिकारी है सारा के, ना किसी बड़े पद पे रहे हैं। वो सिर्फ आके सिर्फ हम लोगों को गुमराह करते हैं, और हमारे जो भी संगठन के लोग आगे रणनीति बनाते हैं उस रणनीति को कमजोर करते हैं। उन्होंने दो तीन बातें कई महीनों से कह के चल रहे हैं वो सर, कि दशहरा तक, दुर्गा पूजा तक, कभी दीपावली तक, जो आपको बहुत अच्छी जो है खबर मिलने वाली है, ऑफिस ऑफिस खुल जाएंगे, आपका भुगतान होने वाला है। तो ये 1 महीने 2 महीने का ये लोगों को टालते रहते हैं। क्या हुआ, क्या अब वो इस बात का वो क्लियर करेंगे कि दीपा दशहरा भी आ गया, कल दशहरा भी है, उसके बाद दुर्गा पूजा भी चल रही है, दीपावली भी 15 दिन बाद आ जाएगी, तो इनकी प्रक्रिया कहाँ तक हुई, ऑफिस कब से खुल रहे हैं, कब से भुगतान होने वाले हैं, ये आके यहाँ पे बताएं। अगर होने अगर भुगतान, एक सेकंड सर, अगर भुगतान होने वाला है तो अब की बार ये सहारा का लेटर लेके आए जो इनके प्रबंधक ने जारी किया है, बगैर इस तरीके की बातें करके हम लोगों को गुमराह ना करें। और बाकी आपके ठीक है, चैनल के माध्यम सब ये कहना चाह रहे हैं सर कि अब जितने भी जमाकर्ता कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ कानूनी कार्रवाई में साथ दें, जितने भी संगठन के जो लोग हमारे लड़ रहे हैं, चाहे शुक्ला सर का संगठन हो, चाहे जो है कुशवाहा सर का संगठन हो, सिर्फ अब हम लोगों को उम्मीद जो है सर कोर्ट से ही है। और कोर्ट भी यहाँ पे हम लोगों को नहीं सुन रहा। अभी सर जो 1,000 करोड़ रुपए का जो 1 महीने का टाइम दिया था, तो क्यों नहीं रुपया जमा हुआ उस पर, जो है कोर्ट कोर्ट क्या कर रहा है सर? हमें तो ये लग रहा है कोर्ट और सरकार ये बिल्कुल पूरी तरीके सहारा को बचा रही है, सरकार भी इसमें नहीं कर रही। अमित शाह जी ने कई बार सर, यूपी में भी चुनाव था लोकसभा का, उसी नगर में विरोध किया हम लोगों ने, हमारे कुछ लोग गए थे उस साइड के, तो कहा था सरकार बनते ही हम भुगतान करेंगे। क्या हुआ ये, बाकी मैटर तो ये अलग, रियल एस्टेट हाउसिंग का ये तो सब चलता रहेगा, लेकिन जो अभी वर्तमान में हम लोगों के पास जो कार्ड है, जो पासबुक है, वो तो सब सारी सार्वजनिक की है, सहकारिता मंत्रालय से है, भारत सरकार ने रजिस्ट्रेशन किया है सोसाइटियों का, 4 सोसाइटियों जो पैसा जमा है वो सहकारिता मंत्रालय से है। बाकी ये जलेबी बनाना कि रियल एस्टेट में कागज लेके आइए, वित्त मंत्री जी देंगे, ये देंगे सीआरसी में, ये तो सिर्फ गुमराह करना है। निवेशक को कुछ पता नहीं है, गरीब तबके का निवेशक, एजेंट भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो कहीं इधर जाइए उधर जाइए, सीधी सीधी बात, जो भी पुरानी बातें थी होती रही। अब सर करंट में जो पैसा जमा है वो सारा सोसाइटियों का, सारा जो सारा सार्वजनिक के द्वारा जमा है, सहकारिता मंत्रालय से उसकी परमिशन मिली हुई है, तो सारे कागज हम लोगों के लेके क्यों नहीं अमित शाह जी जो भुगतान कर रहे हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं? अभी जो पोर्टल, अब ये अभी चुनाव 3-4 राज्यों में चल रहे हैं, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, झारखंड में है, दिल्ली में है, अब इसकी लिमिट बढ़ा दी 50,000 रुपए तक, रिसबमिशन करिए। पहले हम लोगों ने 10-10 हजार किए थे, कितने लोगों का रुपया आया सर? 1.5 साल हो गई है, 1% लोगों का 10,000 रुपया नहीं आया है सब। अब फिर एक नया सिगुफा फिर छोड़ दिया है कि अब आपकी लिमिट बढ़ा दी कि 50,000 रुपया आएगा। अब जो 10-20-50 लोगों को 50,000 रुपया दे देते हैं, वही गाने लगते हैं, एक जिले में अगर 10 लोगों का आ जाता है तो कहते अरे 50,000 रुपये आने लगे। बस ये क्या करते हैं, ये आंदोलन को कमजोर करते हैं, कानूनी कार्रवाई को कमजोर करते हैं, और इनके चाटुकार जो बैठे हुए हैं वो ये अब देखो 50,000 रुपये आने लगा है, आप लोग क्यों लड़ रहे हो? आप तो सारा के विरोधी हो, विरोधी नहीं, अगर ये 50,000 रुपये भी जो 1,40,00,000 लोगों का पोर्टल पे जो लॉगिन हुआ है उनका भी अगर ये 50,000 रुपये भी दे देंगे तो सारा में 50% लोगों का भुगतान हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो 50,000 तक की लिमिट में आते हैं वो सबसे ज्यादा गरीब निवेशक आता है सर, जिसका 20,000, 30,000, 50,000 रुपए है, इस टाइप के निवेशक ज्यादा है, वही सर ज्यादा परेशान हम एजेंट लोगों को भी करते हैं। और उन्होंने रुपया कैसे जमा किया 50,000, एक 10 लाख वाले आदमी को, 5 लाख वाले आदमी जिसका सारा रुपया जमा है उसको ज्यादा परेशानी नहीं है, उसको ज्यादा कष्ट नहीं है, वो हम लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करता है, लेकिन जिसका 20,000 है, 30,000 है, 50,000 है, वो आए दिन परेशान करता है, क्योंकि उसने जो है बहुत छोटे तबके का लोग हैं, और उन्होंने रेहड़ी पटरी मीलों में काम करके सर महिलाओं ने 50,000 रुपए जमा किया, किसी का 20,000 है, 30,000 है। अब वो लोग आपकी चिंता अफसर अफसर आपकी चिंता बहुत जी
बहुत जायज है आपकी चिंता, मैं जी ये कह थोड़ा रहा जी सर बहुत आज हम आप जी, मुझे मुझे एक एक चीज बताइए मुझे कि आपके हिसाब से पेमेंट भुगतान जो है निवेशकों का वो कैसे होना चाहिए? नहीं सर, भुगतान तो हम ये कह रहे हैं चाहे जैसे भी हो सर, हमारे जितने भी सीनियर लोग हैं, आप जो हैं सर, आप जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जो और भी चैनल वाले हैं, सरकार हम तो ये कहे चलो पोर्टल अभी जो पोर्टल पे अप्लाई करवाया 10,000 करवाया था पिछली साल जुलाई में, जो गाजे बाजे के साथ जो लॉन्च किया था अमित शाह ने, सारी मीडिया चैनल ने दिखाया था कि 10,000 रुपए आने लगा, सारे टीवी चैनल जितने भी आते हैं, जितने अखबार आते हैं, जितने सोशल मीडिया, सबके ये कह दिया था 10,000 रुपए आने लगा, देश में ढोल पिट गया था सर 10,000 रुपया आएगा धीरे धीरे 50,000, कितने लोगों को 10,000 मिला। मीडिया जितनी तागत से सरकार की वाहवाही करती उतनी कभी मीडिया ने ये पूछा है सरकार से जाके, किसी भी मीडिया ने, कितनी मीडिया चैनल, राष्ट्रीय मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी ने भी कि 10,000 रुपया सर कितने लोगों को मिला है? 1,40,00,000 लोग। दूसरी बात जी, क्यूवाइब तो डेली पूछ रहा है जी, शुक्रिया सर। दूसरी बात ये पूछ रहे हैं सर, अभी जो 50,000 की जो लिमिट इन्होंने बढ़ाई है, इसका क्या आधार है, क्या सॉल्यूशन है, क्या मान के चलें कि 50,000 रुपया हमारा मिल जाएगा? ये सिर्फ सिर्फ गुमराह करने की तरीका है और कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपना टाइम काट रहे हैं। छोटा निवेशक कब तक कोर्ट कचहरी द्वारा रिसमिशन करने जाओ, वहां पे जो है ऑनलाइन वाले फिर पैसे मांग रहे हैं, अब जमा करता कार्यकर्ता पे हावी हो रहा है सर, खाने के पैसे नहीं है, अब वो कह रहे हम पहले 100 रुपए दे चुके थे, 200 रुपए दे चुके थे, अब आप जमा करो नहीं तो आप हमें रुपए दो। अब तो ये होता ना कि सोता शेर फिर जगा दिया इन्होंने, 10,000 तो दिए नहीं है, 50,000 का कह के अब उन लोगों के पास हम फिर जा रहे हैं कि आप रिसमिशन फिर करिए, तो अब वो कह रहे हमारे पैसे नहीं है, कागज ले जाओ और ले करो जाके। अब एक आदमी तो है नहीं, मेरे पास 300-400 अकाउंट होल्डर हैं, उनका हम 100-200 रुपए हम कहां से देंगे सर? आप एक चीज ये तो, और टाइम कब से ये तमाशा चल रहा है सर, 2018 से पेमेंट नहीं हो रहा है 1 रुपए तक का, 18-6-24 साल हो गई सर, कब तक? अगर सर हम एजेंट छोड़ के अगर निवेशक की हैसियत से ये देखें तो सर 6 साल कौन बर्दाश्त करेगा कि आज पेमेंट हो जाएगा कल हो जाएगा? सरकार इसमें बिल्कुल सुब्रत राय को बचा रही है, और अब तो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहेंगे कि कोर्ट भी जो है सुब्रत राय को बचा रहा है, सारा कंपनी को बचा रहा है, 1 महीने का टाइम दिया क्या हुआ उसमें, कोर्ट ने क्या संज्ञान लिया? 1,000 करोड़ रुपए जो मैं 1 महीने में जमा करना है, 1,000 करोड़ रुपए नहीं जमा करा हुआ 1 महीने में, 9 पहले 3 महीने का टाइम दिया था कि 3 महीने के अंदर 9,000 रुपए करोड़ जमा, फिर उसको 9 महीने बढ़ा दिया, तो ये सब उसको मालूम है कि ये संगठन कभी एक हो नहीं पाएगा, जो 10 करोड़ कहते निवेशक हैं ये कभी निकल नहीं पाएंगे, कभी हो नहीं पाएगा, रोएंगे चिल्लाएंगे। यही सुब्रत राय की नियत थी, उन्होंने कहा कभी जो है कोई हमारा संगठन नहीं है, कोई कोई इसमें वो नहीं है, सब एकजुट है, एक परिवार है, तो वो समझते थे ये कोर्ट में कभी ये जा नहीं पाएंगे। अब हमारे को संगठन तैयार हुए वो कोर्ट में जा रहे हैं, तो अब गुमराह करने का नया नया तरीका निकाल लेते हैं, कभी जो कन्हई साहब को बैठा देते हैं कि दुर्गा पूजा तक पेमेंट हो जाएगा, कभी दीपावली तक हो जाएगा, कभी 50,000 की लिमिट जो है कर दी जाती है, मिलता किसी को नहीं है, सिर्फ जो है एक यही चलता रहता है। अब तो हम यही कहना चाहते हैं आपकी लाइव में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, निवेशक और कार्यकर्ता, सिर्फ ये पैसा आंदोलन और कानूनी कार्रवाई के हिसाब से मिलेगा, बाकी किसी कोई तरीका नहीं है पैसा मिलने का। अगर पैसा लेना है और समाज में एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो आंदोलन एक बड़ा स्तर पे करें, कोई भी संगठन वाले लोग हैं आपस में मतभेद बुलाकर दिल्ली में एक बड़ा संगठन करें, और एक दिन का नहीं 2-3 दिन का लगातार संघर्ष करें, क्योंकि बड़ा मेहनत का रुपया है सर, कैसे गरीब लोगों ने जमा किया, हमने कैसे किया, हमने तो अपने छोटे बच्चों का 10,000-20,000 रुपए तक हमने जमा किया, ये बड़े हो जाएंगे तब इनकी पढ़ाई में काम आएंगे, वो सब रुपया उनके गोलकों तक का रुपया हमने सर जमा कर दिया है सर, बड़ा स्थिति खराब है, जमा करता आए थे इतना परेशान। थोड़ा 1-2 मिनट का टाइम और दीजिए, 1-2 मिनट का, बस उसके बाद फिर हम नहीं बोलेंगे सर, आज पूरी बात अपनी रख दें, बहुत दिनों बाद आपसे सर जोड़ा है आपने। अब तो सर स्थिति ये हो गई है कि जो निवेशक था अब वो आए दिन परेशान कर रहा है, कह रहा 5-6 साल हो गई, कभी आपका CRC के माध्यम से होगा, कभी आपका ऑनलाइन करिए, फिर दोबारा करिए, अब रुपया हमें आपसे चाहिए। अब तो धमकियां ये मिलने लगी हैं कि हम आपको गोली तक मार देंगे, हम आपके बच्चों तक को उठा ले जाएंगे, बाजार में अगर सब्जी लेने जाते हैं सर चोरी छिपे मुंह छिपा के जाना पड़ता, क्या जवाब? हम लोग सर कब तक झूठ बोलें,
जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला सर, इतना सारा इंडिया ने झूठ बोलना सिखा दिया, अकेले में रोते हैं सर। ये समझिए हमने क्या गुनाह किया कि हमने इस कंपनी में काम किया। अगर सर चोरी डकैती कहीं करते कुछ करते तो ये तो होता, चोरी करी हमने, चोरी करके अपने बच्चों को खिलाया, उसकी सजा मिल रही है इसमें। और इसमें बिल्कुल ही जो आदमी मान सम्मान देता था, इज्जत से बात करता था, आज अगर सामने गाली नहीं देता पीछे कहता ये देखो ठग जा रहा है, ये देखो चोर जा रहा है, पीछे बात करते हैं लोग, इन्होंने हमें गुमराह किया, इन्होंने हमें लूटा, अपना देखो अच्छा खा रहे हैं, हमको हमको मार दिया, अब सब क्या करें, कहां जाएं। इस अब तो ये समझ नहीं आ रहा है, कभी कभी इतना डिप्रेशन में हो जाते हैं कि क्या करें सर। शादी ब्याह में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, वापस फोन आ जाते हैं सर, कभी कभी तो लगता है जो 5,000 लोग हमारे चले गए शायद अगला नंबर उसमें हमारा भी ना हो सर। अब तो ये स्थिति हो गई सर, कहां तक झूठ बोला जाए, कहां तक सबर करा। इस देश में कुछ न्याय व्यवस्था है सर कि नहीं है, सरकार नाम की चीज है या नहीं है सर। जब जब सुब्रत राय कह रहे हैं कि 3,00,000 करोड़ की हमारी संपत्ति है, तो सरकार की क्या मजबूरी है जो उसकी संपत्तियां सीज करके नहीं, आप ब्याज ना दें, आप कुछ ना दें, कम से कम 50,000-1,00,000 तक का गरीब निवेशक जो बिल्कुल परेशान है, शादी नहीं हो पा रही, पढ़ा नहीं पा रहा, छप्पर में रह रहा है, पन्नी तान के रह रहा है, सर्दियों में आप देखो हम लोग किस ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं सर, खुले में रह रहा है, उसने 10-10, 20-20 हज़ार बेटियों की शादी के लिए जमा की, वो नहीं हो पा रहे हैं सर। हम लोगों को सीधे सीधे बद्दुआएं मिलती हैं, हम लोगों ने पैसा उनसे लाए ना, कि कैसे लाए क्या लाए, ये सरकार को थोड़ी नहीं पता क्या क्या कि क्या किस तरीके से करना क्या नहीं करना। अगर सरकार नहीं कर पा रही तो क्यों नहीं उतर जाए सत्ता, छोड़ दे हम लोगों को एक दिन के लिए, पेमेंट होता कि नहीं होता है, बना दे एक दिन के लिए प्रधानमंत्री हमें, अगर नहीं सरकार कर पा रही है तो। अरे संपत्तियां जब जब सुब्रत राय संपत्ति छोड़ के चले गए हैं तो सरकार को इतना तो पावर है। अभी हम यूपी में कुछ गलत काम करते हैं, एक अगर हम अभी बात करते 5 मिनट के अंदर मेरे घर पे बिल्डोजर चल जाएगा, सरकार के पास इतनी ताकत है। तो सुब्रत राय जो इतना रुपया लूट के ले गया है, वहां क्यों नहीं संपत्ति सीज कर रहे हैं, हम ये थोड़ी नहीं कह रहे तुम क्या सब, जब सरकार के पास इतना पावर है, मेरे पास सारा के कार्ड है, मेरे कार्ड सर सरकार जमा करा ले, अगर हम असली है तो हमारा भुगतान किया जाए, जितने जो जमा है जिनका टाइम हो गया उस तरीके से। यही नहीं समझ में आ रहा सिस्टम क्या चल रहा है, ना कोर्ट ना सरकार ना कचहरी, क्या इस देश में क्या युद्ध ही कराना चाहेंगे या फिर इस देश में लोग आत्महत्या ही करते रहेंगे, सरकार क्या चाह रही है सर। जी सर शुक्रिया अफसर साहब, मैं तो